सुप्रभातम। आज हम लोग ससंधि के भेदों में से यन संधि का अध्ययन करेंगे। यन संधि इको यनजी, इत के स्थान पर यन आदेश होता है स्वर के परे होने पर। अची सप्तमी एक वचन, स्वर के परे होने पर इक के स्थान पर यन आदेश होता है। इक अर्थात हर्षही, हर्षहु, री तथा लिरी। यदि हरस्य या दीर्घ हर्षही, हर्षहु, री एवं लिरी के बाद असमान स्वर आ जाए, और समान स्वर मीन्स भिन्न स्वर, भिन्न स्वर वर्ण आ जाए तो हर्षही दीर्घही के स्थान पर, हर्षही या दीर्घही के स्थान पर हर्षहु या दीर्घहु के स्थान पर वहल री या दीर्घरी के स्थान पर रोहन, और लिरी के स्थान पर लोहन हो जाता है। अर्थात हर सही दीर्घही के बाद कोई भिन्न स्वर हो, हर्षही या दीर्घही को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तो हर्षही दीर्घही का य है, हर्षहु दीर्घहु का व है, री का र है, गिरी का लोहलन हो जाता है। यथा यदि जोर अपि, यदि जोर अपि बनेगा यद्यपि, यद्यपि इसी तरह से अति जोर आचार, अत्याचार, प्रति जोर एकम, प्रतीकम इसी तरह से नदी जोर अपील, दीर्घही के स्थान पर भी योहलन हो जाता है तो हो जाएगा नद्यपि, देवी जोर वाच, देवी वाच। सु जोर आगतम, स्वागतम, गुरु
जोर आदि सह गुरुवादि सह इसी तरह से हर समूह हो गया दिकहु मधु जोर आज्ञा बधवाज्ञा चमु जोर आदेश चमु का अर्थ होता है सेना चमु जोर आदेश चमवा जैसा दिग्रह का वो हजन हो जाता है चमवा देसा इसी तरह से री हल री का वो हजन पित्री जोर अर्थम पित्रर्थम पित्री जोर अर्थम पित्रर्थम पित्री जोर आज्ञा पित्राज्ञा पित्रर्थम मात्री जोर आज्ञा मात्री जोर आज्ञा मात्राज्ञा भ्रातृ का अर्थ होता है भाई भ्रातृ जोर आदेश भ्रात्रादेश ली जोर आकृति ही लाकृति ही इसी तरह से ली जोर आकार लाकार आप लोग यज संधि की परिभाषा लेकर लिखकर उसके उदाहरण लिखकर याद कर लेंगे धन्यवाद